नाउ आप सभी को मैं म्यूट कर देता हूं। अब हम बात कर रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, सॉरी हाँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की ही मैं कल बात कर रहा था आप लोगों से। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मैंने आप लोगों को कल चार ऑर्गेनल्स बताई थी, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, उसके बाद मैंने बताया था कि गॉल्जी एपरेटस भी एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम भी एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वैक्यूल भी एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। फिलहाल अगर आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये बता दीजिए हमें कि ऑर्गेनल्स क्या होती है, तो मैं बता देता हूँ ऑर्गेनल्स क्या होती है। ठीक है, ऑर्गेनल्स, तो ऑर्गेनल्स होती हैं डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनल बोलेंगे। ठीक है, उन सभी को हम ऑर्गेनल बोलेंगे। इसके बाद अब साइटोप्लाज्म क्या है ये आपको बताना चाहिए। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में मैंने कल आपको इन दोनों के टाइप्स बता दिए थे, और आज मैं इनका एक और अच्छा एक फंक्शन है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको कि हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। उसकी हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है ना। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन को वापस से जनरेट पैदा किया जाता है, सेल मेम्ब्रेन को बनाया जाता है, रिन्यू किया जाता है, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बनाया जाता है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों के सामने वो ही मॉडल आप पेश कर दूंगा जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड से, ठीक है, हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड से, और इसमें होता है प्रोटीन, ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन भी होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। तो इसके अंदर हमें दो चीजें देखने को मिल रही हैं, जो कि है एक तो ये जिसको कि हम बोल रहे हैं फॉस्फोलिपिड, और एक है प्रोटीन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, फॉस्फोलिपिड, और ये क्या है, ये है प्रोटीन। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन करके आता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाता है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें बना सकती है, प्रोटीन भी और लिपिड्स भी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों मिलकर के सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। और क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फंक्शन कर रहा है फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फंक्शन कर रहा है इन द सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और इसी सिंथेसिस की प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। आई होप ये सभी क्लियर हो गया होगा कि सेल मेम्ब्रेन बनाने की प्रोसेस को ही मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं, और कैसे कैसे बनाता है वो मैंने बता दिया, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है,
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बना सकती हैं। और ये दोनों ही मिलकर के ये दोनों ही जो कंपाउंड है, ये दोनों ही जो मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों तरह के जो मॉलिक्यूल हैं वो मिल रहे हैं हमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर में। जैसे कि यहाँ पे हमें फॉस्फोलिपिड देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हमें प्रोटीन देखने को मिल रहा है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो ये है, सर हमें क्लास में ले लो, सर आपने रिमूव कर दिया, रिमूव करने की वजह से हमको रिमूव कर दिया, छोड़ो। हाँ जी, यहाँ तक ठीक है। तो प्रोटीन और जो लिपिड है, ये चीजें कौन बना रहा है? ये चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। और ये ही दोनों चीजें लगती हैं सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में, और सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कि सिंथेसिस होगी सेल मेम्ब्रेन की, किसके द्वारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है सेल मेम्ब्रेन को। और मैंने बहुत बारी रिपीट कर करके आप लोगों को ये बातें बताई हैं, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एक्चुअल में एक फंक्शन है किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूं, और आप मुझे बताइए क्या सभी को समझ में आ गया है या नहीं। सर आ गया, सर आ गया, सर आ गया, यस मैम आ गया, यस सर आ गया। ओके ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस सबको क्लीन कर देता हूँ। आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हो 3 सेकंड्स में, और फिर मैं बताता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फर्दर मोर फंक्शंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके और फंक्शंस की। हाँ जी, अब मैं टोटल आपको सभी फंक्शंस पढ़ाने जा रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मैं आपको सभी फंक्शंस पढ़ाने जा रहा हूँ अब। तो आप ध्यान से सुनिएगा जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस की लिस्ट। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ यहाँ पे आर ई आर का फंक्शन, तो आर ई आर सिंथेसिस करता है, आर ई आर सिंथेसिस करता है प्रोटीन की। तो आर ई आर क्या बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, और यही मैं बात करूँ एस ई आर के फंक्शंस की, तो एस ई आर बनाता है फैट और लिपिड। ये बात मैं कल डिस्कस कर चुका था आपसे। ठीक है, अब आप खुद सोचें, मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले, एक चीज बताई थी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि जो ये प्रोटीन है ये हमारे शरीर के अंदर अलग अलग फॉर्म में मिलता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारी बॉडी में बहुत सारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बहुत सारे स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारी बॉडी के, वो भी प्रोटीन से ही बने हुए हैं। मैं इस कंपोनेंट को पूरा लिख देता हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, अब अगर आप लोग सोचते हैं सर ये एंजाइम क्या होते हैं, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं? बायो
कैटलिस्ट होते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं, तो उन रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज कर देता है कौन? एंजाइम्स। ठीक है, तो मतलब बॉडी में बहुत सारी जो रिएक्शंस है उनके लिए एंजाइम्स जरूरी होते हैं, और एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं, सिर्फ एक एंजाइम को छोड़ के। वो मैं आपको बता चुका था, वो एक एंजाइम कौन सा था जिसको हमें छोड़ना है, एक्सेप्शन क्या था? राइबोसाइम था। राइबोसाइम, राइबोसाइम एक आरएनए से बना हुआ एंजाइम है। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर हॉर्मोन्स क्या होते हैं, तो आप ये भी दिमाग में रखिए कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हॉर्मोन्स आर स्पेशल केमिकल्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? स्पेशल केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि रेगुलेट करते हैं बॉडी फंक्शन को। क्या काम करते हैं? रेगुलेट करते हैं बॉडी फंक्शन को, बॉडी फंक्शंस को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनका एक और फंक्शन ऐड कर सकता हूँ कि जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है वो सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस ऑफ क्या काम है, एंजाइम बना सकता है ये। ठीक है, एंजाइम बना सकता है और हॉर्मोन्स ही बनाता है। तो एंजाइम और हॉर्मोन की सिंथेसिस भी कहाँ होती है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे ही होती है। ठीक है, और आपको ये बातें याद रखनी है। एक बात और, एक फंक्शन और है इसका इंपॉर्टेंट। अब ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट भी करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स का। कौन से मटेरियल बनाता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम? दो ही तो मटेरियल बनाता है, प्रोटीन बनाता है, फैट या लिपिड बनाता है। ठीक है, तो इन्हीं मटेरियल का क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है टू वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की अलग अलग जगह पर ये इनको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, वो मैं आपको गोल्जी के टाइम पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, और न्यूक्लियस में भी ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ रिएक्शन चलती हैं, वहां पे भी एंजाइम की जरूरत होती है, और एंजाइम प्रोटीन होता है और उसको ट्रांसपोर्ट कराना होगा, तो वो काम कौन करेगा? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम करेगा। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाता है, तो सुने ध्यान से। हाँ जी, एस ई आर का एक स्पेशल रोल है जो आपको समझना है यहाँ पे कि एस ई आर क्या काम करता है। तो एस ई आर जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन, देखो जब हम कोई भी मेडिसिन वगैरह लेते हैं, जब हम कोई भी मेडिसिन लेंगे तो मेडिसिन हमारी सेल के अंदर तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, वो मेडिसिन जो होती हैं उनके जो केमिकल्स होते हैं वो सेल के अंदर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और इन पॉइजन से हमारे सेल के अंदर खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, मैं खतरे का सिंबल बना रहा हूं। ठीक है, खतरा बढ़ सकता है। इस खतरे को कम करने के लिए, इस खतरे को रिड्यूस करने के लिए कौन हेल्प करता है? SER हेल्प करता है। SER इन सभी टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाता है हमारे शरीर के अंदर से। अब जब मैंने हमारा शरीर बोला है तो हम क्या है? वर्टिब्रेट्स। तो ये किसके अंदर से हटाएगा? वर्टिब्रेट्स के अंदर से। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सर वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, तो वर्टिब्रेट्स एक वर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम। आप जानते होंगे वर्टिब्रल कॉलम किसको कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम हम बोलते हैं बैकबोन को, हम बोलते हैं बैकबोन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, जिन भी ऑर्गेनिज्म्स के अंदर
जिन भी ऑर्गेनिज्म्स के अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होगा, जिन भी ऑर्गेनिज्म्स के अंदर वर्टिबल कॉलम क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिनके अंदर ये प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे वर्टिब्रेट, और जिनके अंदर ये एब्सेंट होगा उनको हम बोलेंगे इनवर्टिब्रेट, ठीक है, उनको हम बोलेंगे इनवर्टिब्रेट बोलेंगे। तो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट आपको समझ में आ गया होगा। वर्टिब्रेट्स जितने भी जीव वर्टिब्रेट होंगे उन सभी वर्टिब्रेट का जो SER है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना, वो किसमें हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा डिटॉक्सिफिकेशन में। आई होप यहां तक समझ में सभी को आ गया होगा। मैं आप लोगों से एक बार कंफर्म कर लेता हूं, बताइए क्या सभी को समझ में आ गया? यस सर आ गया। ओके थैंक यू वेरी मच। अब आगे बात करते हैं इसके और टॉपिक्स की, ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो 3 सेकंड में, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा गोल्जी एपरेटस, ठीक है, तो गोल्जी को हम पढ़ने जा रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब तक आपका ओवर हो चुका है और मैमे बायोजेनेसिस जैसे सभी क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं गोल्जी एपरेटस से, ठीक है। आप एक काम करिएगा, आज आपको गूगल पे जाना है और जितने भी ऑर्गेनल्स आपके बुक में दे रखी हैं इन सब की डिस्कवरी किसने करी, मतलब जितने भी ऑर्गेनल्स आपके सिलेबस में दे रखी हैं उन सभी ऑर्गेनल्स की डिस्कवरी किसने करी है वो आपको सर्च करना है, ठीक ना, कि किसने इसको डिस्कवर किया है। तो डिस्कवर आपको ठीक है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जो कि है गोल्जी एपरेटस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोल्जी एपरेटस, ठीक है, और आई होप आप सभी इस फोकस करने जा रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। तो ये है गोल्जी एपरेटस और इसकी स्ट्रक्चर मैं आप सबके सामने ड्रॉ कर देता हूं पहले तो। तो ये भी मेम्ब्रेन से बनी हुई ही एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कुछ पैरेलल मेम्ब्रेनस सैक्स इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे, मतलब मेम्ब्रेन से बने हुए खाली जगह, ठीक है, मेम्ब्रेन से बने हुए पैरेलल सैक्स इसके अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। इन सैक्स को हम बोलते हैं, इनका एक नाम है, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी लिखने से पहले मैं ये सब हटा देता हूं, ठीक है, हाँ जी, तो इनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। अगर आप लोग भूल भी जाएंगे तो मैं लिख देता हूं ये क्या है, पैरेलल मेम्ब्रेनस सेक्स, सेक्स मतलब खाली जगह, ठीक है। अच्छा अब देखो होता क्या है, होता क्या है, देखिए ध्यान से, देखिए मैंने ये ऐसे क्यों बनाए हैं इसके पीछे लॉजिक है, सुनिए ध्यान से। गोल्जी एपरेटस की जो डिस्कवरी है वो कैमिलो गोल्जी ने करी थी, ठीक है, गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी किसने करी है, कैमिलो गोल्जी, और इन्होंने अपने ही नाम पे इस ऑर्गेनेल का नाम रख दिया, ठीक है।
इसके और भी नाम है जो मैंने आपको बताए थे, इसको हम बोल सकते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी हम इसको बोल सकते हैं, और इसको हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि बुक्स में अलग अलग नाम दे रखे हैं इसलिए मैंने सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसके अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं जो कि एक दूसरे से पैरेलली अरेंज है, ठीक है ना। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड है, आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन से ही बना हुआ है, और ये एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे से कैसे हैं ये पैरेलल है, और इनको क्या बोलेंगे हम, इनको हम बोलेंगे सिस्टर्नी, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था अभी अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक मेम्ब्रेनस स्पेस था, मैंने आपको बताया था मेम्ब्रेन से बना हुआ स्पेस था, मैंने साइड में आपके यहाँ पे ER बना के दिखाया है, ठीक है। ये ER दो तरह की चीजें फॉर्म करेगा, दो तरह की वेसिकल्स फॉर्म करेगा ये, मतलब दो तरह की चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा, मैंने आपको बताया था। एक तो ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है प्रोटीन, और एक ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है लिपिड या फैट, ठीक है। ये इसको ट्रांसपोर्ट करता है गोल्जी की तरफ, कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, गोल्जी की तरफ। तो गोल्जी के अंदर ये प्रोटीन आएंगे या फिर ये लिपिड और फैट आएंगे, और अब गोल्जी के अंदर तीन काम हमें देखने को मिलेंगे, या तो गोल्जी एपरेटस इसको स्टोर करेगा, या फिर इसके अंदर थोड़े से मोडिफिकेशन लेकर के आएगा, थोड़े से चेंजेस लेकर के आएगा, या फिर इनको कर देगा ये ट्रांसफर, ठीक है। इनको ये क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो प्रोटीन जो है, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन इन मेम्ब्रेन से होते हुए गोल्जी के अंदर अगर मॉडिफाई हो गया है, तो ये प्रोटीन अब क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड प्रोटीन कहलाएगा। यहाँ पे MP का मतलब क्या है, मॉडिफाइड प्रोटीन, ठीक है ना, मॉडिफाइड प्रोटीन। तो प्रोटीन मॉडिफाई हो गया है, ऐसे ही ये लिपिड या फैट को भी अपने अंदर से गुजारेगा, और इस लिपिड या फैट को ये ट्रांसफर कर देगा सेल के अलग अलग रीजन में, सेल के अलग अलग रीजन में ये अपने इन चीजों को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे वेसिकल्स की फॉर्म में। ये मैंने क्या बना दिया, बबल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, इसको हम वेसिकल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, मॉडिफाइड प्रोटीन है। अब ये मॉडिफाइड प्रोटीन देखो कुछ भी हो सकता है, ये मॉडिफाइड प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, ये मॉडिफाइड प्रोटीन कोई एंजाइम भी हो सकता है, ठीक है, कोई हार्मोन भी हो सकता है, समझ में आ गया। ये प्रोटीन ही तो है, हार्मोन भी एक प्रोटीन है, एंजाइम भी एक प्रोटीन है, ठीक है। या फिर जो ये लिपिड और फैट हैं, ये भी सेल के अंदर ऐसे ही ट्रेवल कर रहे हैं। मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, सेल के अंदर कुछ भी चीजें अगर घूमती हैं इधर उधर, इस प्रोसेस को हम साइक्लोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये बस मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मॉडिफाइड प्रोटीन है, ये भी सेल के अंदर घूम रहा है और ये भी घूम रहा है। अब जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये सब घूम रहे हैं, ये इस बबल लाइक स्ट्रक्चर को, ये जो मैंने यहाँ पे बबल लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है, बबल लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे बनाई है, इसको हम बोलते क्या है, तो इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं वेसिकल, ठीक है, इसको हम वेसिकल बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि वेसिकल फॉर्म कौन कौन कर सकता है, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है या स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जो कि वेसिकल बनाती है, ठीक है। तो मैं यहां बता दे रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, कि वेसिकल्स आर फॉर्म्ड बाय कोई भी आपसे पूछ ले कि वेसिकल कौन कौन बना सकता है सेल के अंदर, तो आपको बता देना है। उससे पहले आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए कि वेसिकल्स होते क्या है। तो वेसिकल एक बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, बस एक मेम्ब्रेन ही तो है इसके ज्यादातर, और बबल लाइक ये दिख ही रहा है। और ये फॉर्म कौन कौन कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, वेसिकल्स को सेल के अंदर फॉर्म करने वाली स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं? एक तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है गोल्जी,
ठीक है, गोल्जी बॉडी, और एक कौन फॉर्म करता है, एक हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी वेसिकल्स बनाती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो गोल्जी के बारे में मैंने आज आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया, सिस्टर्नी क्या होता है, ठीक है, और ये क्या काम करती है, ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है सेल के अंदर अलग अलग जगह तक, जितने भी ये कंपाउंड्स हैं इन सबको ये ट्रांसपोर्ट करा रही है, इसीलिए गोल्जी एपरेटस का एक नाम है, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ये क्या कहलाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ये जो गोल्जी है ये ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहलाती है, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट, ये क्या काम करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है सेल के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का अलग अलग जगह पर, ठीक है, और क्या काम करती है, स्टोर का काम करती है, मॉडिफिकेशन का काम करती है, फिर ट्रांसफर कर सकती है किसको, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स आ रहे हैं कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी कुछ आ रहा है, दो ही चीजें आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एक तो प्रोटीन और एक फैट या लिपिड, इन सबको ये इन सब के साथ या तो इसको स्टोर करेगा अपने पास, या फिर ये इसको मॉडिफाई करेगा, या फिर इसको ये ट्रांसफर करेगा, ठीक है। एक फंक्शन और याद रखना, ये सिंथेसिस करता है, गोल्जी सिंथेसिस करता है लाइसोसोम की, ठीक है ना, तो ये लाइसोसोम बनाता है। अब लाइसोसोम क्या है ये हम कल जानेंगे, फिलहाल मुझे आपको ये बताना था कि ये फंक्शन क्या क्या है, गोल्जी के सिंथेसिस क्या है, इतना ही पढ़ना था आपको गोल्जी के बारे में, ठीक है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर वेसिकल्स बनाती है ये आपको याद रखना है, और इनफ नॉलेज आप लोगों के पास है आज की क्लास में। फिलहाल 4 मिनट रह गए हैं, और पहले मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूं, हाँ जी बताइए, गोल्जी तक समझ में आ गया सब कुछ? यस सर। ओके यस सर। ओके अब मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप